न्यूज़ डेस्क टीवी की तरफ से दुर्गा पूजा के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस मौके पर तमाम लोग जात पात के भेदभाव के बगैर इस पूजा में शरीक होते हैं और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे मौके पर राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्म अपना अपना लेकिन त्यौहार सबों का, उत्सव सवार धर्मो जार जार उत्सव सवार। इस बात से वो एक दूसरे को जोड़कर तमाम मजहब को लेकर चलना चाहती हैं और देश में और मुल्क में शांति की कामना करती हैं। पश्चिम बंगाल एक शांति प्रिय रियासत है, यहाँ पे कभी कोई झूठ झमेला नहीं होता है, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। दुर्गा पूजा में भी इस तरह के मौके पर सबों ने एक दूसरे को बधाई दी। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी शिरकत किए और तुलापट्टी मोहल्ला के तमाम इंतजामिया को, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उन सबों को इस मौके पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके लिए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की प्रार्थना किया। कोलकाता कॉरपोरेशन के 42 नंबर वार्ड बड़ा बाज़ार के तुलापट्टी में दुर्गा पूजा का आयोजन, भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्षद श्री सुदीप बंदोपाध्याय, एमएलए विवेक गुप्ता और वार्ड काउंसिलर महेश शर्मा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने तुलापट्टी मोहल्ला कमेटी के तमाम के आप लोग बढ़ चढ़कर इस पूजा को मनाएं और लोगों की खिदमत करें। ऐसे मौके पर महेश शर्मा और विवेक गुप्ता ने भी अपनी अपनी बातें कही। विवेक गुप्ता ने कहा कि वो तुलापट्टी मोहल्ला कमेटी के साथ हैं और हर ज़रूरत पर वो उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पर 11 माताओं को सिलाई मशीन दी गई ताकि वो रोज़गार से जुड़कर अपने खान पान का इंतज़ाम कर सके और किसी के भरोसे ना रहे। हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर इस तरह महिलाओं को, उन महिलाओं को जो बेरोज़गार हैं, उन्हें सिलाई मशीन और दीगर चीज़ भी दी जाती है। इस मौके पर अनिला बहन और सोनू भाई, औरंगजेब मिलजुल कर रहने में ही देश की भलाई और तरक्की है। में रहने वाले भाई करता सबके सिरों से सार्वजनिक पूजा है। अब हमारे लोकप्रिय जनप्रिय समाज प्रिय श्री विवेक गुप्ता से जो करता हूँ दादा आपको समझाएंगे, तो मैं श्री विवेक गुप्ता को बोलना चाहूंगा कि अपना शब्द रखें। महेंद्र जी हावड़ा से चलते रहे, अशोक गोधर जी, अपनी प्रताप जी, दुर्गा दर्शन, किसी का नाम पूछ रहा होगा तो मुझे माफ करिएगा। दादा सब कुछ बोल चुके हैं, मैं कुछ उसमें नहीं जोड़ना चाहता हूँ। मैं खाली जन्म वर्ष का तुलापति सब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर साल और सुंदर और अच्छा काम करते हैं। ये माँ अश्री श्रद्धांजलि है, माँ अश्री प्रणाम है, इसी तरह करते रहिए। और जैसा दादा ने कहा उत्सव सबके लिए बनाए, बड़ा बाजार तुलापति में हर बच्चे के लिए ये उत्सव हो, तब तो कुछ ना कुछ आनंद हो, किसी का हो, आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति और दुर्गा माता फूल 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 आशीर्वाद आप लोगों के हो, यही मेरी मंगल कामना। नमस्कार। आज 11 सिलाई मशीन हमारी माता और बहनों को दी जा रही है। पूजा के तुम्हारे लिए
तो दुर्गा पूजा की उद्घाटन समारोह हमारे मुख्यमंत्री पितृपक्ष का अपने मातृपक्ष का जब शुरुआत होते हैं मोहल्ला के दिन से उसी दिन से दुर्गा पूजा की उद्घाटन मातृमूर्ति का आगमन का उन्मोचन ये सब कर्मसूची हम लोग शुरू कर देते हैं। मेरा पहला पूजा ये पूजा पट्टी मोहल्ला कमेटी का पूजा सबसे पहला था। एक एक करके पहले कुछ दिन उद्घाटन में हम लोग गिरेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा ये उत्सव ये जो उत्सव के तुलना सारे विश्व में कोई उत्सव से कम नहीं है। ये उत्सव इतना बड़ा है ये उत्सव को लेके सारे बंगाल छोड़ के सारा देश में महानवरात्रि का रूप से ये पूजा को मनाए जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अशुभ शक्ति का निधन करके शुभ शक्ति का प्रवेश बताना ये पूजा का लक्ष्य है। माँ दुर्गा महिषासुरा करते हैं और हमारे समाज में जो का रूप से आसुरी रूप से हमारे सबको बीच में विवाद करना चाहते हैं हमारे बीच में एक भाई दूसरे के साथ इस तरह से मिलना चाहिए इससे प्रतिरोध कर देते हैं। ये सब अशुभ शक्ति को विरोध में हम लोगों को लड़ने का शक्ति हर दुर्गा पूजा बंगाल में हर प्रांत ये पूजा को मदद करने के लिए हमारे सरकार इस बार भी 85,000 रुपया करके ये पूजा लोगों को सहयोगिता देते हैं। बहुत सारे लोग इसका ऊपर क्यों तुम 70 के रुपया पूजा के लिए अरे कोलकाता का बड़े बड़े पूजा के लिए 85,000 रुपया कम हो सकते हैं लेकिन गांव में जब कोई पूजा होती 85,000 रुपया आपके हाथ में मिल जाएगा उनका दिल में वो पूजा कमेटी का दिल में खुशी का बताना मिल जाएगा जाते हैं। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए हर विषय पर समालोचना करना हर विषय पर कटुक्ति करना ये हमारे बंगाल में राजनीति में भी कुछ उपाय बन गए हैं। सरकार कुछ अच्छा काम करे तो उसको भी नाराजगी के बारे में दो चार शब्द है। आज कोलकाता शहर में रेल रोड पे जो दुर्गा पूजा रखने का इतना भारा पूजा का जुलूस निकालते हैं आपको बोले जहाँ जाके 100 दुर्गा प्रतिमा को निरंजन रेल रोड का ऊपर से देख सकते हैं। ये उत्सव एक दिन विश्व उत्सव का मानचित्र में अपना स्थान जरूर करें तो ये कार्निवल हम लोगों को मदद करना चाहिए। ये कार्निवल दुर्गा पूजा बहुत लोग हम लोगों को दिल्ली में लेकर पार्लियामेंट में रहते हैं कोई कोई संसद मुझको बताते हैं हमला करते हैं मन नहीं बोल पाते हैं उपाध्याय जी बोलो सरस्वती पूजा करने में प्रतिबंधित करते हैं बहुत बोलो ये हम लोगों ने सुना दुर्गा पूजा करने में मुश्किल होता है। मैंने बोला कोलकाता में पूजा में कराओ वहाँ दुर्गा पूजा तो ऐसा जगह में भी होता है जो आपकी नाम मोहम्मद अली पार्क होता है ये हमारे दुर्गा पूजा का परंपरा है। कॉलेज स्क्वायर है
ऊपर तक का निर्वाह कर रहे हैं शिवलाल शंकर। धीरे धीरे मेरा अच्छा लगते ये पूरा पट्टी का पूजा भी धीरे धीरे मैं शर्मा इसको आगे बढ़ाने का कोशिश शुरू होगी। अब विवेक गुप्ता है यहाँ का पूजा, वो भी प्यार से हर पूजा को सब जोर लगा के देखते हैं कि सब पूजा कमेटी को अच्छा से काम करने के लिए आगे बढ़े। तो पूजा हम लोगों को हृदय में शांति देते हैं, धर्म में विश्वास आते हैं, हम लोगों को हृदय में शांति आते हैं। और हमारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कहा कि धर्म अपना अपना उत्सव सबको होता है। ये दुर्गा पूजा तो हम लोग पूजा भी कहते हैं, शारदीय उत्सव भी कहते हैं, काली उत्सव नहीं कहते, काली पूजा सरस्वती पूजा बोलते हैं, लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। दुर्गा पूजा को हम लोग शारदीय उत्सव भी कहते हैं। फेस्टिवल नहीं तक यह आए लोग नहीं थे, अभी कई जगह बोलना पसंद करेंगे, एक स्थान एक चार एक जगह में एक पार रखने का जगह ये नहीं है। पर लोगों को बीच में हृदय में माँ दुर्गा के प्रति इतना श्रद्धा इतना विश्वास, तो ये पूजा के समय हम लोग चाहेंगे सब व्यक्ति हर व्यक्ति मन समर्पित करके कितना सारे लोग हैं, दुर्गा देवी भी बैठी हुई है हमारे राजस्थान ब्राह्मण की अध्यक्ष। तो मैं सबको निवेदन करूंगा पूजा का शांति प्रशासन के साथ सहयोगी करते हैं, प्रशासन इतना अच्छा रूप से सब लोग पूजा में भाग लेते हैं, प्रतिमा दर्शन करते हैं, लेकिन ये प्रशासन के लोग ये पुलिस व्यक्तियों हमारे पूजा अच्छा से चले इसके इन लोगों ने खराब मदद करे प्रशासन को एक साथ मिलकर पूजा को सप्तमी महाष्टमी महानवमी नवरात्रि का पूजा भी साथ साथ चलेंगे और विजयादशमी का भी विसर्जन में आपको शांति से ये पूजा करिए। मुझको और विवेक को इसको बाद में और जरा सप्तमी को पूजा है वहाँ जाना होगा। देश भर में अमन और शांति रहे दुर्गा पूजा के मौके पर यही प्रार्थना सबों ने की और सबों ने एक दूसरे को न सिर्फ मंगलमय कहा बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब इंसान हैं और हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, लिहाजा हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद देना है और उनके साथ मिलजुल कर हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है। यही हम सबों का संकल्प होना चाहिए।